छिप गया है बर्ची से अकबर का कलेजा, बानू छिद गया है बर्ची से अकबर का कलेजा, बानू देख ले आकर दीदार किसर मरता है, सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है। अब कोई अभी थोड़ी दम तेरा रश के कमर मरता है, मुंह से भरा है जमी तेरा जाने जिगर मरता है। सभी हज़रात शेख मतबा सोहमद जी मतबा सोए तौफ़ीक़ फरमा कर शहीद सैयद इब्राहिम रईसी, शहीद सैयद मोहम्मद अली आले यासीन आले हाशिम और शहीद अली हुसैन अब्दुल्लाहियान और दीगर तमाम शहदा जो इस हादसे में जिनकी शहादत हुई है, उन सब के अरवाह को साफ फरमा। صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين دارئ الخلائق الأجمعين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات یہاں کے مؤمنین اور یہاں کے بالخصوص نوجوان سب کے سب قابل تعریف اور آپ سبھی کا
ये शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि आपने इन अजीम शहदा की याद में इस मजलिस अज़ा को बर्पा किया है। शहदा को याद करना भी शहीदों के रास्ते पर चलने का एक तरीका है और शहीदों का मर्तबा खुदा के आलम के नज़दीक बहुत बुलंदतरीन मर्तबा होता है। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने शहीदों के हवाले से ये फरमाया है कि वला तहसबन अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, कि अल्लाह ने हमारे ख्याल और गुमान पर भी पाबंदी लगाई है कि हरगिज़ वो लोग कि जो अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह अपनी जान को क़ुरबान करते हैं, हरगिज़ उनके बारे में गुमान और ख्याल भी ना करना कि वो लोग मुर्दा हैं, बल्कि परवरदिगार आलम उनके लिए फरमाना है कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, कि वो लोग जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क पा रहे हैं। तो परवरदिगार आलम शहीदों को जो उसके राह में अपनी जान को कुर्बान करते हैं उनके लिए फरमा रहा है कि हरगिज़ उन्हें मुर्दा खिताब ना करना कि ये लोग मुर्दा हैं, अल्लाह के नज़दीक ये लोग जिंदा कहलाते हैं। बेशक बेशक। और शहीदों का मर्तबा भी इतना बुलंद है कि जो अपनी जान को राय खुदा में कुर्बान करता है कि जो अल्लाह के राह में मैदान जंग में हाजिर हो करके अपने बदन को जो खून आलूद करता है, जो अल्लाह के राह में जख्मी होता है, जो अल्लाह के राह में अपने जान को कुर्बान करता है, तो ये ऐसा पाक व पाकीज़ा है कि जब आम इंसान जब मर जाता है तो उस आम इंसान को अगर आप उसके बदन के किसी भी हिस्से को अगर आप छुएंगे तो खुद आप ने अगर आपका बदन गीला है या मुर्दे का बदन गीला है अगर आपने छू लिया है तो आपका जहां भी आपका बदन का हिस्सा लगा वो हिस्सा नजिस कहलाएगा। और उसके अलावा अगर मुर्दा अगर ठंडा अगर हो गया, मई ठंडी अगर हो जाती है तो उस सूरत में अगर आप उसका हाथ लगाएंगे तो आपको क्या वाजिब हो जाता है, हौसले में से मैयत आपके लिए वाजिब हो जाता है। जब तक कि आप उसे तीन मरतबा हौसले नहीं देंगे, तीन हौसले नहीं देंगे, उस वक्त तक आप अगर उसे छुएंगे तो फौरन आप पर हौसले में से मैयत वाजिब हो जाता है। लेकिन शहीद को अल्लाह ने वो अजीम मर्तबा अता किया है कि जो भी अल्लाह के राह में शहीद होता है अपनी जान को कुर्बान करता है उसका बदन भी पाक व पाकीज़ा होता है और उसका खून भी पाक व पाकीज़ा होता है। ये अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने शहीद को इतना अजीम मर्तबा अता किया है और उसे ये तहारत अता की है, पाकीज़गी अता की है। और ऐसे शहीद को जो जंग में, क्योंकि शहीद का मफहूम काफी वसीअ में इंशाल्लाह बयान करूंगा कि शहीद किसे कैसे कहा जाता है, कि वो शहीद के जो मैदान में जंग में हाजिर हो करके जो अपनी जान को जो कुर्बान करता है तो उसे ना तो हौसले की जरूरत है और ना उसे कफन की जरूरत होती है, बल्कि उस शहीद को उसी अपने खून आलूद बदन के साथ, खून आलूद लिबास के साथ, खुद उसका लिबास उसका कफन कहलाता है और बगैर गुस्ल के और बगैर उसे कफन के उसे दफनाया जाता है। और ये मर्तबा परवरदिगार आलम ने शहीदों को अता किया है जो अल्लाह के राह में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि शहीद के सामने एक मकसद होता है, हदफ होता है और उसी हदफ के लिए, इलाही हदफ के लिए ये शहीद अपनी जान को कुर्बान करता है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने शहीद को इतना अजीम मर्तबा अता किया है। और फिर शहीद का मफहूम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है,
یہ اس شہید کا میں نے خاص مطلب بیان کیا ہے کہ جو میدان جنگ پر جنگ میں امام یا نائب امام یا رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول اللہ کے حکم سے اگر جنگ میں اگر حاضر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ تھا، لیکن ہمارے دین میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اگر الہی ہدف کو لیتے ہوئے، اگر الہی ذمہ داری کو اگر انجام دیتے ہوئے بھی اگر اسے موت اگر آ جاتی ہے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ طالب علم کہ جو علم حاصل کرتے ہوئے اگر اسے موت آ جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ شخص کہ جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی اگر اس کے موت اگر آ جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا مال اور اس کا اپنا حق ہوتا ہے، اور اس اپنے مال کے دفاع میں بھی اگر وہ اپنی جان کو گوا دیتا ہے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی شخص اگر اپنی ناموس کی حفاظت میں ناموس کے دفاع کرنے میں بھی اگر کسی کو موت اگر آ جائے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو شہید کے مفہوم کو اور اسلام نے اور ہمارے دین نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ شہید اگر کوئی اپنی جان یا اپنے ناموس کی جان کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا کوئی علم حاصل کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، اور اس سے برتر مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے وقت کے امام کی صحیح معرفت کے ساتھ جو معرفت کا حق ہے، اگر اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی اپنے بستر پہ بھی اگر کسی کو موت اگر آ جائے تو اسے بھی شہادت کا درجہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی مارا جاتا ہے اور موت اگر کسی کو آ جاتی ہے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، تو یہ شہید کا مرتبہ اور اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک سب سے پسندیدہ قطرہ وہ قطرہ ہے جو کسی شہید کے بدن سے یہ قطرہ خون جو زمین پر گرتا ہے اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ قطرہ ہے، یہ خون کا قطرہ خدا کے نزدیک یہ ہر چیز کی یہ قیمت ہوتی ہے، ہم اور آپ کے نزدیک دنیا کے جو مال دولت یہ تمام چیزیں ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن خداوند عالم کے نزدیک جو بھی کام اگر اللہ کے لیے اگر انجام پائے تو خداوند عالم کے نزدیک وہ کام اگرچہ چھوٹا ہو، اگرچہ وہ کام ہماری نگاہ میں کم نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے لیے اگر انجام پائے تو خداوند عالم کے نزدیک وہ کام بڑا کام ہوتا ہے، شہید کا یہ قطرہ خون ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید نے اس خون کو بہایا ہے تو خدا عالم کے نزدیک یہ محبوب ترین قطرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ کے لیے شہید نے اپنے خون کو اور اپنی جان کو قربان کیا ہے، یہ مرتبہ شہیدوں کا ہے۔ اب آئیے جس آیت کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، مرد شجاع، مرد کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہو، بہادری پائی جاتی ہو، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو اسے مرد کہا جاتا ہے، اگر مردانہ اگر صفات اگر نہ ہو اس میں اندر اگر شجاعت اگر نہ ہو اس کے اندر اگر بزدلی اگر پائی جائے تو اسے مرد نہیں کہتے ہیں، وہ بظاہر دیکھنے میں وہ مرد لگ رہا ہے۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ یا اشباہ الرجال، جب کوفے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے وہ لوگ کہ جو مردوں کی شبیہ ہیں، یعنی مرد نہیں ہو تم لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر
जो एक मर्द की जो सिफत होना चाहिए कि मर्द में जो एक बहादुरी और शुजात होना चाहिए वो सिफत हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। मर्द से खिताब है कि मिनल मुमिनीन रिजालुन, कि मुमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं, सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, जो उन्होंने अल्लाह से जिस बात का अहद किया है और उसको सच कर दिखाया है। और फिर فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, कि इन में से कुछ ऐसे हैं कि जब उनकी शहादत का मौका आया तो इन्होंने अपने इस अहद को वफा कर दिया। وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, और कुछ ऐसे हैं कि जो इस शहादत के लिए इस इंतजार में हैं कि हमें ये शहादत कब नसीब होगी। وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, और ये वो लोग हैं कि जो हालात के बदल जाने से इनके ईमान में किसी तरह की तब्दीली नहीं आती है, कि लोग बदल जाए हालात। जिस तरह बाद वक्त होता है इंसान जैसे जैसे हालात बदलते हैं, हालात के एतबार से इंसान भी बदलता रहता है, यानी वो अपने ईमान पर कायम नहीं रहता है। तो ये मोमिनीन जो ऐसे बास मोमिनीन के जो अल्लाह परवरदिगार आलम जिनको मर्द से खिताब करके ये फरमा रहा है कि मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि जो उन्होंने अल्लाह से जिस चीज का अहद किया था, जिस चीज का वादा किया था, अपने उस अहद को अपनी शहादत के जरिए से उन्होंने सच कर दिखाया है। और जिसका मौका और शहादत का मौका आया तो उन लोगों ने इस अहद को वफा करते हुए अपनी शहादत को पेश किया, अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। और कुछ वो लोग हैं कि जो इस शहादत के इंतजार में हैं, और ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। और रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर के ये हमारे दीन की खसूसियत है कि हमारे दीन में जिस तरह से जो शहादत का जो कल्चर, जो तहजीब जो पाई जाती है, और जिस तरह से शहादत को इस्लाम ने पेश किया है कि अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान करना, और आज दुश्मन हमारी इसी शहादत के जज्बे से दुश्मन खौफजदा है। आज देखें कि छोटी छोटी कौमें होती हैं लेकिन क्यों उनसे दुश्मन इतना खौफजदा है। दुश्मन के पास सब कुछ मौजूद है, हथियार मौजूद है, दौलत मौजूद है, बड़ी बड़ी कुव्वतें उनकी हिमायत कर रही हैं, सब कुछ है, लश्कर है, सब कुछ है, लेकिन चंद जवान जो अपने अंदर शहादत का जज्बा लेकर के जो दुश्मन के सामने डट कर जो खड़े हुए हैं दुश्मन के मुकाबले में, ये दुश्मन तमाम पूरी ताकत के रखने के बावजूद भी इन चंद जवानों से खौफजदा, क्यों? इनके अंदर शहादत का जज्बा पाया जाता है। शहादत का जज्बा के इसी शहादत के जज्बे की वजह से आज हमारा दुश्मन पूरी कुव्वत और पावर रखने के बावजूद भी, क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर शहादत का जज्बा पाया जाता, इस वजह से वो खौफजदा है। और ये शहादत का जज्बा जिस तरह से रसूलुल्लाह के जमाने में लोग दीन की हिफाजत के लिए, दीन के क़याम के लिए अपनी जानों को जिस तरह से कुर्बान करते थे, और ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका है, और ये सिलसिला जब करबला तक जब पहुंचा है, तो इस शहादत की इस अजीम जिस तरह से करबला वालों ने जो पेश किया है, ऐसी शहादतें कि तारीख में इस तरह की हमें मिसालें कहीं पर भी नहीं मिल सकती। जो करबला वालों ने जिस शहादत के जज्बे को पेश किया है, यहां पर ये नहीं कि सिर्फ इस करबला की जंग में सिर्फ बुजुर्ग आए हों, जवान आए हों, और जो अपने जान को इमाम पर कुर्बान कर रहे हों, बल्कि करबला में हमें जो देखने को जो मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अपनी जान को हथेली में लिए हुए अपने इमाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। जनाबे औनो मोहम्मद, जनाबे कासिम, इनकी कितनी उम्र थी? 12 साल, 13 साल, ऐसे इस तरह की उम्र थी, लेकिन ये एक दूसरे पर सबकत कर रहे थे। और यही करबला का जो जज्बा जो हमने देखा है करबला में, इस शहादत के जज्बे को
जिसने भी जिस कौम ने भी करबला से इस जज्बे को हासिल किया है, जिस तरह से करबला में यजीद ने इमाम हुसैन को शिकस्त न दे पाया, उसी तरह से जिसने भी करबला से इस शहादत के जज्बे को हासिल किया है, आज के इस दौर में भी जिसके पास करबला मौजूद है, जिसके पास शहादत का जज्बा मौजूद है, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो आज हम जो देख रहे हैं कि आज जब से इनकलाब इस्लामी ईरान को कामयाबी मिली है और इनकलाब इस्लामी ईरान ने करबला से दर्स हासिल करके जो शहादत का जो जज्बा जो पेश किया है, हम भी इसी तरह से ईरान की जो जंग में हम जो देखते हैं कि ईरान में ऐसे ऐसी शहादतें हुई हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बालिग भी नहीं है, अभी उनकी उम्र इस 13 साल 14 साल की उम्र है। शहीद हुसैन फहमीदे, इनकी उम्र जो बताई जाती है 13 से 14 साल की उम्र है इनकी, लेकिन अपने दिल में ऐसा भरपूर शहादत का जज्बा पाया जाता है इस नौजवान इस कमसिन बच्चे में कि जब दुश्मन अपनी टैंक लेकर के आगे आ रहा था, उस वक्त ये शहीद हुसैन फहमीदे अपने बदन पर बाम बांध करके उस दुश्मन के टैंक को पना कर देते हैं। तो ये ऐसा शहादत का जज्बा इन बच्चों, जिसके लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि काएदुना हादल फता, कि ये नौजवान हमारा रहबर है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनके अंदर ऐसी शहादत का जज्बा पाया जाता है, और इसी शहादत के जज्बे ने आज दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है, और आइंदा भी यही शहादतों का जज्बा दुश्मनों को शिकस्त देता आएगा। ताज़ुहूर इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जब से इनकलाब इस्लामी ईरान को कामयाब, क्योंकि ये इनकलाब जो है हमें समझने की जरूरत है कि इनकलाब इस्लामी ईरान दुनिया के तमाम जितने भी इनकलाबात हैं उन तमाम इनकलाबात से एक अलग और एक जुदा और एक मुमताज इनकलाब। तारीख में जैसा इनकलाब जो अभी जो मौजूदा तारीख है जो हमने खुद देखा है चंद सालों में कि बहुत से ममालिक में इनकलाबात आए हैं, लेकिन जैसा इनकलाब ईरान में आया है कि जिसने पूरी तारीख को बदल दिया है, पूरे मुल्क के निजाम को बदल दिया है, कि ऐसा मुल्क जहां पर इस्लाम का कोई नामो निशान, ये कहा जाए इस्लाम के आईन और कवानीन पर अमल करना जहां पर जुर्म माना जाता था, जैसे हिजाब क्या है इस्लाम के एतबार से, हिजाब करना पर्दा करना ख्वातीन के लिए वाजिब है, जरूरी है कि एक औरत अपने आप को नामहरमों से छुपाए, लेकिन इनकलाब इस्लामी ईरान से पहले ईरान में एक दौर ऐसा भी था कि जब ख्वातीन के सरों से चादरें छीन ली जाती थी, लेकिन इसी इनकलाब इस्लामी ईरान ने ऐसे पूरे निजाम को बदल दिया है। क्यों? इसलिए कि ये इनकलाब खालिस इलाही इनकलाब था, अल्लाह के लिए इनकलाब था। ये इनकलाब दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं था, यानी अपनी हुकूमत को हासिल करने के लिए नहीं था कि हम इस इनकलाब को हासिल करने के बाद हम जो इससे खूब जो है वो अपना अपनी दुनिया बनाएंगे, हम हाकिम बन जाएंगे, इस मकसद के तहत ये इनकलाब नहीं आया था। ये जो ईरान में जो निज़ाम जो पाया जाता है, जो सिस्टम जो पाया जाता है, कामिलन जो निज़ाम शरी निजाम कुरानी निजाम पाया जाता है उसी के मुताबिक वहां पर कवानीन बने हैं, कुरान के मुताबिक जो अहले बैत अतहार के तालीमात के मुताबिक ही वहां के तमाम कानून बने हैं, और उसी के एतबार से ईरान का निजाम चलता है। तो ये निजाम, उस निजाम में जब ये इनकलाब इस्लामी ईरान जब कामयाब हुआ है, तो इस निजाम के आने के बाद, इनकलाब इस्लामी ईरान के आने के बाद, कामयाब होने के बाद, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे दौर में जब जालिम और सुपर पावर अमेरिका के बारे में कुछ कहना भी किसी के अंदर की ये जुरात नहीं होती थी कि कोई अमेरिका के खिलाफ कुछ कह सके, अगर कुछ अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ कह देता है तो उसके लिए नाबूदी उसके लिए यकीनी होती है कि उस मुल्क को नाबूद और तबाह और बर्बाद कर दिया जाता था। हर कोई
जो अमेरिका की गुलामी करेगा वही महफूज रहेगा, ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन इमाम खुमैनी ने फरमाया कि अमेरिका कोई गलती नहीं कर सकता ईरान के हवाले से, ये इमाम ने फरमाया। और फिर ये ऐलान किया कि हम दुनिया में कहीं भी अगर कोई मजलूम अगर हो तो ये हमारा इनकलाब, ये हमारा निजाम, ये जमहूरिया इस्लामी ईरान उस मजलूमों की हिमायत करेगा। क्योंकि हमारे इमाम ने फरमाया है मौला अपनी वसीयत में ये फरमाया है कि तुम जालिम से दुश्मनी अख्तियार करो, जालिम के मुकाबले में तुम डट के खड़े हो जाओ, वलिलमज़लूम आउना और मजलूम के लिए तुम हामी बनो, मजलूम के मददगार बनो। लिहाजा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद जब के सारी ताकत एक तरफ है और ईरान एक तरफ तन्हा है और उसने ऐलान कर दिया, इमाम ये ऐलान करते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर मजलूम हो हम ये इनकलाब, ये हमारा निजाम उन मजलूमों की हिमायत करेगा। और ये भी फरमाया कि आज के इस दौर में सबसे मजलूम तरीन कौम फिलिस्तीनी कौम है और हम फिलिस्तीनियों की हिमायत करेंगे और इसराइल के खिलाफ हम जंग करेंगे। ये इमाम खुमैनी ने उसी दौर में फरमा दिया था जब अभी इनकलाब इतना मजबूत भी नहीं हुआ था। अभी ईरान के आज जो हम जो कुदरत देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने जिस तरह जो कुदरत और जो इज्जत और इफ्तिखार जो ईरान को अता किया है, इंशाअल्लाह ये इज्जत और इफ्तिखार इसी तरह से आइंदा भी इसी तरह से परवरदिगार आलम ईरान को इसी तरह से तरक्की इनायत फरमाए और ईरान को कुव्वत इनायत फरमाए। लेकिन जब इब्तदाए इनकलाब में जब इनकलाब आया है तो उस वक्त ईरान इतना मजबूत नहीं था। लेकिन ये देखे ये कहने की बात होती है कि मजबूत नहीं था, लेकिन जिसके साथ अल्लाह अगर हो तो वो कौम और वो मुल्क, अल्लाह जिसके साथ होता है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने भी वो कौम सबसे अजीम और कवी कौम होती है। ये हम देख रहे होते कि दुनियावी एतबार से कि वो हम दुनिया के असलहों के एतबार से हम जो अभी आप देखेंगे कि जब भी किसी मुल्क का एक दूसरे का जब मुकाबला होता है, हमने खुद देखा आप लोगों ने देखा होगा कि सबका कंपेयर किया जाता है, मुकायसा किया जाता है कि इनके पास कितनी फौज है, इनके पास कितने असलहे हैं, इनके पास कितने टैंक हैं, इनके पास कितने मिसाइल्स हैं, इनके पास जो वो एटमिक बम कितने हैं और इस मुल्क के पास कितने जो एटमिक बम है। लेकिन खुदा के यहाँ के असलहे से कोई एतबार नहीं रखते हैं। अब्राहा भी अपना हाथियों का लश्कर लेकर के आया था, लेकिन परवरदिगार आलम ने इसी अब्राहा के लश्कर को अमाबील के चोंच में और उसके जो पंजों में छोटी छोटी कंकरियों के जरिए से परवरदिगार आलम ने सारे अब्राहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये तारीख है, ये सच्चाइयां हैं। तो इसको देखें कि इलाही कुदरत क्या होती है। तो इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ अगर खुदा अगर हो तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इधर मौत ऐसे दौर में कि जहां पर इस सुपर पावर जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था उसके मुकाबले में किसी के अंदर जुरत नहीं थी। और आज भी हम देख रहे हैं आप सभी हजरात इंशाल्लाह ऐसा दौर है कि तमाम दुनिया के हालात आप सब यहां पर रह करके भी हर इंसान दुनिया के आज के इस दौर में इस तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा नहीं कि आप अगर जो लोग शहर में रहते हैं वही लोग जो दुनिया की खबर में रखते हैं, ऐसा नहीं है। आज का दौर इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि ये दुनिया जिसे कहा जाता है कि दहकदहे जहानी के ये दुनिया बदल चुकी है, ये दहकदा यानी एक विलेज में तब्दील हो चुकी है। जिस तरह से एक गांव में तमाम लोग एक दूसरे की खबर रखते हैं क्योंकि गांव की एक आबादी एक छोटी सी आबादी होती है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे की आशनाई रखते हैं, तो सब के सब जो है वो एक दूसरे की आशनाई रखते हैं। और आज की ये दुनिया भी इसी तरह से एक दहकदा एक विलेज की मानिंद बन चुकी है कि दुनिया के हजारों मील में अगर कुछ हो रहा है वो खबरें भी हमें मालूम हो जाती हैं आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में। तो अज़ीज़ान मोहतरम
तो आप लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के हालात, गजा के हालात किस तरह से, जो वो वहां पर जालिम इसराइल जुल्म कर रहा है। लेकिन 55 से ज्यादा ममालिक इस्लामी और मुसलमान, इस्लामी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमान हाकिम हैं, मुसलमान उम्मत हैं, लेकिन किसी के अंदर ये जुरात नहीं है कि इसराइल के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर कुछ बोलते भी हैं तो सिर्फ ये कि अपनी कौम के अंदर अपनी हुकूमत की लाज रखने के लिए दो चार जुमले बोल दिए, लेकिन अमल के एतबार से कोई इसराइल के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता है। और ना तो सही तौर से कोई बिल्कुल पड़ोस में ममालिक है। अब यही मिस्र देखें, बिल्कुल गजा से उसका बॉर्डर मिल रहा है, लेकिन इतने सारे गजा के लोग मारे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुसलमान मुल्क बगल में है लेकिन उसका साथ नहीं दे रहा है, उसकी हिमायत नहीं कर रहा है, उन मजलूमों की मदद नहीं कर रहा है, ये इसराइल की हिमायत करने में लगा हुआ है। तो ये तमाम जो हालात, लेकिन ऐसे हालात में भी आप देखें ईरान किस तरह से रोज अव्वल से जब से इनकलाब इस्लामी ईरान कामयाब हुआ है उसी वक्त से हमेशा से मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत करता चला आ रहा है। और आज क्योंकि फिलिस्तीन एक ऐसे मरहले में पहुंच चुका था जब इनकलाब इस्लामी से पहले कि तमाम लोग नाउम्मीद हो चुके थे कि अब जो वो फिलिस्तीन नाम, क्योंकि उनकी साजिश यही है, उनका मंसूबा यही है कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी कौम को उनके नामो निशान को खत्म कर दिया जाए, यानी कोई लोग उसका तज़किरा भी ना करें। लेकिन जैसे ही इनकलाब इस्लामी ईरान आया है, इमाम खुमैनी ने यह ऐलान किया कि हम फिलिस्तीनियों की हिमायत करेंगे, और फिर सिर्फ जबानी तौर पर नहीं कहा कि हम फिलिस्तीनी की हिमायत करेंगे, बल्कि ये ऐलान कर दिया कि हर माह रमजान के आखिरी जुमे में तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो फिलिस्तीन और बैतुल मक़दस की आजादी के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल करके फिलिस्तीन को, इस मसले को हरगिज ना भुलाएं, और जब भी हर साल माह रमजान का आखिरी जुमा आए तो इसकी हिमायत के लिए तमाम मुसलमान अपने घरों से बाहर निकलें। और रोजे कुद्स का ऐलान कर दिया, और ये रोजे कुद्स जो ईरान ने जो ऐलान किया है, जो मुहरिया इस्लामी ईरान, ईरान के इस इस्लामी निजाम ने जो ऐलान किया है, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि एक दौर ऐसा था कि इसके लिए सिर्फ ईरान में रोज़ो कुस्त में रैलियां निकाली जाती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए दुनिया के हर कोने में तमाम लोग, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब के सब ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए, फ्री पालस्तीन की सलाहें बुलंद हो रही है। ये किस चीज का नतीजा है कि ये इसी ईरान ने इस आवाज को जब बुलंद किया था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और इसे फिलिस्तीनियों को वापस मिलना चाहिए और फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए। ईरान ने ये जो हिमायत की है और इस हिमायत की ईरान ने कीमत भी चुकाई है, और आज हम देख रहे हैं कि ईरान पर जो तमाम जो पाबंदियां जो लगाई गई हैं,
तमाम के सैंक्शन जो ईरान पर जो लगाई गई हैं सिर्फ एक फिलिस्तीन की हिमायत की वजह से। आज दुनिया अरब में सब अपनी अपनी हुकूमतों में, अपनी दौलत में, अपने अय्याशी में सब मशगूल हैं और उनकी दौलतें भी महफूज हैं, लेकिन ईरान ने जो आवाज़ बुलंद की है और अपनी इस आवाज़ पर अपने जो फरियाद जो ईरान ने फिलिस्तीनियों के लिए बुलंद की है और आज तक जिस तरह से साबित कदम है, इसके लिए ईरान शुरू से आगाज इनकलाब से इसकी कीमत चुका रहा है। क्यों? जब उन्होंने देखा कि ये जो इनकलाब आया है ये हमारे लिए ये इनकलाब नुकसानदेह है, ये इसराइल के लिए जरब इसराइल के जरब में है, ये सबब बन सकता है इसराइल की नाबूदी का। तब दुश्मन भी खामोश बैठ नहीं सकता और दुश्मन ने भी उसी वक्त से जब आगाज इनकलाब जब इनकलाब का आगाज हुआ है उसी वक्त से ये कोशिश कर रहा है कि हम इस इनकलाब को जब ये अभी नौपा था, जब अभी ये इनकलाब अपने इब्तदाई अय्याम में था, उसी वक्त से ईरान पर तरह तरह के सैंक्शन भी लगा दिए गए और तरह तरह की जंगों पर भी ईरान को मुसल्लत कर दिया। अब देखें आपने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी देखा होगा कि ईरान पर 8 साल की जंग मुसल्लत की गई थी सद्दाम मलऊन के जरिए से। 8 साल जंग किसी मुल्क को अगर चंद महीने भी अगर कोई मुल्क अगर जंग में अगर मुब्तला हो जाए तो उस मुल्क की इक्तिसादी हालत तबाह हो जाती है, लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं, मुल्क अगर जो वो किसी जंग में अगर मुब्तला हो जाता है। लेकिन ईरान पर जो अभी इब्तदाई अय्याम में है जो इनकलाब कामयाब हुआ है जो निज़ाम वहाँ पर कायम हुआ है उसी वक्त ईरान पर इस निज़ाम इस्लामी पर 8 साल जंग थोप दी गई थी सद्दाम के जरिए से। एक तरफ अकेला ईरान था और दूसरी तरफ सद्दाम की सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें बड़ी बड़ी ताकतें चाहे अमेरिका हो चाहे जो ब्रिटेन हो फ्रांस हो जर्मनी हो जितने हैं और आराब जितने भी सब के सब सद्दाम की मदद कर रहे थे इस इनकलाब इस्लामी ईरान के खात्मे के लिए। लेकिन यही शहादतों का जज्बा जो ईरानियों ने अपनाया है और करबला से जो दर्स हासिल किया है इसी शहादतों के जज्बे ने इस 8 साल में भी सद्दाम का डट के मुकाबला किया और आज इनकलाब उसी वजह से आज तक इतना कायम और दायम है। क्यों? इसलिए कि इस इनकलाब की हिफाजत के लिए खून दिया गया है, जानों को कुर्बान कर दिया गया है और जिस इनकलाब की सिंचाई खून के जरिए से अगर हो जाए तो फिर उस इनकलाब को कोई भी मिटा नहीं सकता। आज करबला जो बाकी है हमारे दरमियान ये करबला इसलिए बाकी है कि पाक खून को और पाक जानों को इस इलाही मकासिद के लिए इलाही दीन के लिए इमाम ने असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जानों को और अपने खून को कुर्बान किया है। तो ये इनकलाब भी अगर आज अगर बाकी है ये लाखों जवानों की शहादतों का नतीजा है कि जिन्होंने करबला से इस शहादत के जज्बे को हासिल किया और अपनी जान को कुर्बान करके इस इलाही निजाम के क़याम के लिए इस इलाही निजाम की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है और बड़ी कीमत ईरान आज भी चुका रहा है इस चीज की। और मुसलसल ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला ऐसा नहीं कि जब इन्होंने जब देखा कि ईरान से बिल्कुल आमना सामना और ईरान के मुकाबले हम आकर के इससे जो वो हम पता नहीं पा सकते, हम ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते, फिर उन्होंने ये काम किया कि जितने भी जो अतराफ में हैं ईरान के उन ममालिक पर हमला किया जाए उनको जिनकी ईरान हिमायत करता है। लिहाजा सबसे पहले इन्होंने ईरान जिसकी भरपूर हिमायत करता है हिजबुल्लाह लेबनान 2006 की बात है कि जब 2006 में जब इसराइल ने 2-4 इसराइल के जो फौज थी उनको लेबनान ने यानी हिजबुल्लाह लेबनान ने गिरफ्तार कर लिया था कैदी बना लिया था
उसी चीज को बहाना बना करके इसराइल ने कहा कि हम हिजबुल्लाह को 3 दिन में उसका खात्मा कर देंगे। ये दावा किया था इसराइल ने। 3 दिन गुजरे, कहा अभी हमें एक हफ्ते में इसका खात्मा कर देंगे, इसको मिटा देंगे। एक हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, कई हफ्ते गुजरे, यहां तक कि जो इसराइल जो ये दावा लेकर के आया था कि हम हिजबुल्लाह लबनान को 3 दिन में इसे खत्म कर देंगे, 3 दिन से 10 गुना ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, 33 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल में यह कुव्वत नहीं पाई जाती कि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर सके। और आज भी हिजबुल्लाह अपनी उसी कुदरत और ताकत के साथ इसराइल का मुकाबला कर रहा है। सुभानअल्लाह। हमें ये चाहिए कि अपने आप को दुश्मन के मुकाबले में कवी बनाएं, क्योंकि दुश्मन के सामने अगर हम कमजोर अगर हो जाते हैं तो दुश्मन उसी तरह से हमें खत्म कर देगा। दुश्मन के मुकाबले में इंसान को और अपने कौम का हमें कवी होना चाहिए, अपने आप को कवी करना चाहिए। जब तक कि हम अपने आप को कवी नहीं करते, उस वक्त तक ये दुश्मन हमें कभी भी मिटा सकता है। आप देखें कि इन दोनों चीजों में, गर्चे मैं यहां पर इस मुकायसे में जो मैं अभी कंपेयर करना चाह रहा हूं कि देखें कि एक तरफ इसराइल पर हमास ने भी हमला किया है, लेकिन जब हमास ने जब हमला किया है तो इसराइल ने गजा पर ऐसी जंग मुसलत की कि आज 7 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है और पूरे गजा को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। ये सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह इसराइल को गजा में शिकस्त हो भी है और इंशाल्लाह वहां पर भी और जिल्लत आमिज शिकत उसे से वो दो चार जरूर होगा। लेकिन एक बात कहने की है कि क्यों हमास के हमले के बाद जो ये जंग शुरू हुई है और इस तरह से इसराइल ने इस जंग को इतनी तोलानी भी किया है और उसके अलावा यहां पर गजा में इतनी बड़ी तबाही मचाई है। एक वजह यह है कि अगर इसका हिजबुल्लाह से अगर मुकाबला किया जाए, हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है, जब से ये जंग हमास और इसराइल के दरमियान शुरू हुई है उसी वक्त से हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी आप देखें कि इसराइल में जिस जुरात अभी तक पैदा नहीं हो रही है कि जिस तरह से वो गजा में हमला कर रहा है उस तरह के हमले वो लेबनान में कर सके। क्यों? उसे ये मालूम है अगर हमने जिस तरह से गजा में हमले किए हैं, जिस तरह से हम गजा में हम जंग कर रहे हैं, अगर इस तरह के अगर हमने अगर लेबनान के लिए अगर शुरू की तो हम नाबूद और बर्बाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा साबदरी, आवाज़े बुलंद सलावात, सलेला। क्यों? इसलिए कि वो इस बात से आगाह है और खुद ये इसराइल नहीं बल्कि खुद अमेरिका भी कह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि तुमने जिस तरह से हमास के साथ तो जंग शुरू की है उस तरह की जंग तुम हिजबुल्लाह से शुरू मत करना। क्यों? अंदाजा है उनको इस बात का कि हमास का मुकायसा हिजबुल्लाह से नहीं, हिजबुल्लाह का मुकायसा हमास से नहीं किया जा सकता, हिजबुल्लाह इससे कई गुना ज्यादा कवी है। क्यों? इसलिए कि इनके पास कुव्वत पाई जाती है तो इसके अंदर भी जुरात नहीं की नहीं है कि वो भी हिजबुल्लाह के साथ हमास जैसी जंग शुरू कर सके। क्यों? इसलिए कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को कवी बनाया है। जब देखता है कि दुश्मन हमारे सामने हमारे मुकाबले में ये कवी और ताकतवर कुव्वत है तो वहां पर फिर इसकी जरूरत नहीं होती है। तो लिहाजा आप देखें जब इसने ईरान के उस एम्बेसी पर जब हमला किया दमिश्क में और पूरी एम्बेसी पर हमला करते हुए वहां पर तबाही मचाई और फिर उसी जवाबी कार्रवाई में जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया और अपने मिसाइल भेजे और जो मकसद और ये जो खबरों में बयान किया जाता है कि ईरान के हमलों को हमने जो वो 99% रोक लिया है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ईरान का जो हदफ था जहां पर हमला करना चाहता था उस हदफ और टारगेट पर ईरान ने हमला किया है और इस बात को इसराइल भी जानता है, लेकिन सब में जैसे ही जब ईरान ने हमला किया था तमाम लोग कह रहे थे कि अब इसराइल भी हमला कर सकता है, लेकिन इसराइल कई अरसा गुजरता रहा लेकिन इसराइल के अंदर ये जुरात पैदा ना हो सकी कि वो पलट करके ईरान को दोबारा से जवाब दे सके। क्यों?
उसे मालूम है कि हम ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जाना मतलब ये अपने आप को अगर जब कभी बनाएंगे दुश्मन के मुकाबले में, तो दुश्मन कभी भी हमारे बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। ये वजह है कि खबरें निकल रही थी कि इसराइल भी जो वो ईरान पर हमला करेगा, लेकिन खुद दुनिया ने देखा कि इसराइल ने खौफ के मारे ऐसे छोटे हमला करेंगे 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 कह करके आखिर में एक ऐसे छोटे से ड्रोन थे कि जिसकी कोई हकीकत ही नहीं थी, और खुद ईरान ने कहा कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, हम जब अपनी जगह पर तमाम हमारी चीजें और तमाम हमारे जितने भी जो अड्डे हैं सबके सब महफूज हैं। और उसके बाद इसराइल पूरी तरह से सन्नाटा और खामोश हो गया, और खुद ये इजाजत मांग रहे थे ईरान से कि अपनी इज्जत को बाकी रखने के लिए अमेरिका ईरान से इल्तिजा कर रहा था कि इसराइल को इस बात की इजाजत दे दी जाए कि आपकी ऐसी जगह पर, ईरान की किसी ऐसी जगह पर, ऐसी सरजमीन पर कि जहां पर कोई आबादी ना हो, लोग ना हो और किसी चीज का नुकसान नहीं हो, सिर्फ आप वो हमला कर दे ताकि दुनिया में इसराइल का जो रोब, जो इन्होंने झूठा रोब जो बना के रखा है, उस रोब दबदबे को बाकी रखा जा सके। लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है, अगर इसराइल ने अगर वार किया तो हम जरूर पलट करके वार, और इस बार अब जो वो इस दोबारा हम जो जवाब देंगे ये नहीं कि इसके लिए इंतजार किया जाएगा, आपको इत्तला दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि हम वार करें, नहीं, अब जैसी वहां से वार शुरू होगा यहां पर फिर सेकेंडों सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड में ही हम उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू कर देंगे। जब दुश्मन ने जब देखा कि नहीं यहां पर से हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों, ये अली के मानने वाले हैं, जिस अली ने खैबर में इन्हीं यहूदियों को, जो यहूदी सबको ये शिकस्त दे रहे थे और इतना मजबूत किला बनाए हुए थे, लेकिन जैसे पैगंबर अकरम ने ये ऐलान किया कि मैं कल उसको अलम दूंगा कि जिससे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है कि जो मर्द होगा गैर परवार होगा, जैसे ही मौलाए कायनात आए हैं कि तमाम ये यहूदी जो खैबर में पनाह लिए हुए थे सब के सब मौलाए कायनात के आने की वजह से खैबर का दरवाजा मौलाए कायनात ने अपनी दो उंगलियों से उखाड़ा, और उसके बाद मुसलमान और मौलाए कायनात ने इन्हें वो सबक सिखा दिया। आज ये खैबर उनको आज भी याद है, और ये इस बात को भी जानते हैं कि ये अली वाले हैं, इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ जाना मतलब, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि किस तरह से ईरान को ये मुसलसल ये कोशिश जारी है। आप देखिए कैसी कैसी कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआईएस को तैयार किया गया कि ऐसी खूंखार और दरिंदा सिफत ग्रोह को तैयार किया जिनके अंदर जिनके दिल में जर्रा बराबर इंसानियत नहीं पाई जाती थी, जो मिले उसको कत्ल कर देते, जो इनके मुकाबले में आ जाए, ऐसे दरिंदा सिफत को लेकर के आए थे। और फिर वहां पर इन लोगों ने ये चाहा के, क्योंकि जो जो ईरान की हिमायत कर रहे थे, चाहे वो हिजबुल्ला को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्ला इसराइल के जरिए से मिट ना सका, फिर कहा कि हिजबुल्ला को कहां से किस किस जरिए से असलहे पहुंच रहे हैं, देखा कि ईरान जो हिजबुल्ला की मदद कर रहा है ये सीरिया के रास्ते से बशारुल असद के जरिए से कि हिजबुल्ला की मदद कर रहा है, तो इन्होंने ये मंसूबा बनाया कि पहले सीरिया की हुकूमत का खात्मा किया जाए। जबकि सीरिया में जो हुकूमत थी, जबकि क्या था उनके सामने, आप अरब ममालिक में अगर देखें तो बहुत कम ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी हो, जहां पर रिपब्लिक हुकूमतें पाई जाती हो, जहां की जमहूरियत हुकूमतें पाई जाती हूँ, सबके सब जहां जितने भी ये अरब ममालिक हैं अक्सर ये है कि वहां पर बादशाहत है और एक हाकिम होता है और उसी के खानदान से जो चले आते हैं वही लोग हाकिम बनते हैं। लेकिन कहीं पर भी किसी भी अरब ममालिक के लिए, चाहे वो यूएस हो, चाहे दूसरे ममालिक हो या यूरोप हो, कोई ये नहीं कहता कि इस मुल्क में ये बादशाहत को खत्म होना चाहिए, इस अरब मुल्क से, ये अरब मुल्क जो वो
सब जो वो कई अरसों से ये बात साथ करते आ रहे हैं, यहाँ पर जमहूरियत आना चाहिए, यहाँ लोगों के जरिए से जो यहाँ पर प्रेसिडेंट का इंतखाब होना चाहिए, यहाँ पर वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना चाहिए, यहाँ पर किसी मुल्क के लिए गुफ्तगू नहीं है। लेकिन क्योंकि शाम और सीरिया में, क्योंकि ये मुल्क हिजबुल्लाह की हिमायत कर रहा है और ईरान का साथ दे रहा है, तो लिहाजा उसके खिलाफ भी जंग को मुसलत कर दिया गया आईएसआईएस के जरिए से, और मुख्तलिफ और भी ग्रुप थे जिनके जरिए से सीरिया में जंग हुआ, और ये 7 साल उन्होंने कोशिश की थी। और फिर सीरिया के साथ जब देखा कि ईरान भी इनके हिमायत में है, और ये अल्लाह का करम है कि ईरान जो खुद ईरान का दुश्मन था, यानी जो हुकूमत वहां की थी वो ईरान के दुश्मन थी, सद्दाम ईरान का दुश्मन था, लेकिन परवरदिगार आलम अगर चाहता है तो कभी कभी जालिम से भी बात अच्छे काम करवा लेता है, और इसी अमेरिका के जरिए से इस सद्दाम का खात्मा किया। और अमेरिका ये सोच रहा था कि सद्दाम का हम खात्मा करते हैं तो इराक हमारे अंडर में आ जाएगा और हम ईरान के जरिए से ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस सद्दाम के खात्मे के बाद वहां पर वहां के शिया, वहां के मोमिन कुदरत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, और हुकूमत तकरीबन शियों के हाथ में, जो शिया की हिमायत में होती है, और अब ये देखा कि हालात बदल रहे हैं तो अब ईरान को भी खत्म करना चाहिए, तो लिहाजा इराक में भी आईएसआईएस को वहां पर भी मुसल्लत किया, और उसके बाद ये ऐलान किया सीरिया और इराक में आईएसआईएस को मुसल्लत करने के बाद कि इस आईएसआईएस को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको खत्म करने के लिए हमें 30 साल का अरसा लगेगा अगर हम इसको खत्म करना चाहें तो। लेकिन शहीद कासिम सुलेमानी ने फरमाया कि शहीद कासिम सुलेमानी जिसके लिए अमेरिका ये कह रहा था, जिस आईएसआईएस के लिए कि इसे 30 साल का अरसा लगेगा इसको मिटाने के लिए, लेकिन शहीद कासिम सुलेमानी की काविशों ने, उनकी जहमतों ने, और वहां के इराक के हो चाहे जो वो ईरान के हो चाहे हिजबुल्लाह के, तमाम शहदा के कुर्बानियों ने इसी आईएसआईएस को, कि जिसके लिए अमेरिका जैसा सुपर पावर और कुदरत रखने के बावजूद ये कह रहा था कि इसे 30 साल से पहले खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इराक और सीरिया में शहीद कासिम सुलेमानी ने 7 साल में उसका पूरा सफाया कर दिया। ये वही जज्बे शहादत है कि दुश्मन के सामने इस तरह से मुकावमत के साथ खड़े होना, और फिर यहां से जब देखा दुश्मन ने अपना इस इंतकाम को लेने के लिए शहीद कासिम सुलेमानी को भी शहीद कर दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इन शहादतों के जरिए से हम ईरान को कमजोर बना देंगे। अगर हमें कमजोर अगर होना ही था, अगर हमें ये अगर मिटा सकते थे तो हम करबला ही में खत्म हो चुके होते आज। लेकिन ये शहादतों के जज्बे ने आज उस करबला को भी आज तक जो बाकी रखा है, और जिसने भी करबला से दर्स हासिल किया है वो भी इसी शहादत के जज्बे की वजह से आज भी बाकी है। तो लिहाजा ये इस तरह के अगर किसी को जो हम ऐसे अजीम शख्सियतों का अगर खत्म कर देंगे तो ये सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए, अब ईरानी इनकलाब जो वो कमजोर हो जाएगा। ईरान को इस तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता, इसलिए ईरान के साथ इलाही कुव्वत है, और इस बात को दुश्मन आज तक दर्क नहीं कर पाया है, और इसीलिए दुश्मन अपनी नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। कितनी कोशिशें की हैं, और आज इन शहीदों के हवाले से जो हम इस मजलिस में बैठे हुए हैं कि दुश्मन ये शायद सोच रहा होगा कि अब जो ईरान कमजोर, तरह तरह की कोशिश, कितनी कोशिश, कितने ईरान को इस इनकलाब के खात्मे के लिए नहीं मालूम कितने बिलियंस ऑफ डॉलर को खर्च किया गया है। खुद इससे पहले के जो अमरीकी जो सदर था डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये ऐलान किया था कि हमने 7 या 8 ट्रिलियन हमने जो डॉलर खर्च किए हैं लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ,
रहबर मुअज्जम ने यही फरमाया कि हाँ तुम सच कह रहे हो कि जो कुछ भी तुमने सरमाया लगाया है हमें नाबूद करने के, तुम्हारा सारा सरमाया इसी तरह से तबाह हो चुका है, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। और फिर ये सिलसिला आज भी इसी तरह से जारी, दुश्मन अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन इस बात से हम कभी भी ये ना सोचें कि इन शहादतों के जरिए से ईरान कमजोर हो जाएगा या हमारी मुकावमतें कमजोर हो जाएंगी। नहीं अजीजान मोहतरम, इन शहादतों के जरिए से ईरान और ये इस्लामी निज़ाम कभी कमजोर नहीं होता है। अभी मैंने जो जैसे अर्ज किया था कि उसी आगाज इनकलाब में ईरान पर 8 साल जंग को मुसलत किया गया था, और उसके अलावा जिस तरह से आज हम जो देख रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो शहीद हो चुके हैं, उसी आगाज इनकलाब में भी ईरान के एक सदर और प्राइम मिनिस्टर, आज ईरान में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं पाया जाता, सिर्फ सदारत है वहां पर, लेकिन उस वक्त जो वो सदर और प्राइम मिनिस्टर दोनों हुआ करते थे, जिस तरह से हमारे मुल्क में भी है, एक सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ये हुकूमत जो चलाया करता है। तो उस दौर में भी जब इत्तेहादी इंकलाब में ये प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही पाया जाता था, दोनों को ये साथ शहीद कर दिया गया था। शहीद रजाई जो सदर थे और शहीद बाहुनर उस वक्त ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों को शहीद कर दिया गया था। और उसके अलावा उससे भी ज्यादा जो ईरान को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी वो ये कि ईरान की पूरी पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया था, कि जिसमें 72 लोग मारे गए थे, 72 लोग शहीद कर दिए गए थे, कि जिसमें सबसे अजीम ईरान की शहीद बहिश्ती जो शख्सियत थी, ईरान की अजीम तरीन शख्सियत थी, उनको भी शहीद कर दिया गया था। लेकिन इन तमाम शहादतों के बावजूद भी दुश्मन अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। ईरान अपनी उसी कौवत के साथ इसी तरह से आगे बढ़ता रहा और ये इनकलाब उसी तरह से तरक्की करता रहा, और आज इस दुश्मन को ये एहसास होने लगा है। इसीलिए जब ये सवाल किया गया नेतन्याहू से, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसराइल के लिए आज कौन सा मुल्क जो खतरा है, तो उसने बार बार 3 मरतबा ये कहा कि ईरान ईरान ईरान, वो खुद ये कह रहा है। क्यों? कि ईरान, ये नहीं कि तुम्हारे साजिशों के जरिए से ईरान कमजोर पड़ गया हो, आज उसे इस बात का ये एहसास हो गया है कि नहीं, अब हमारे लिए मुश्किल है, अब हमारे लिए खतरा है, हम इससे ज्यादा शायद अपने इस जाली और गासिब हुकूमत का, इससे ज्यादा हम इसे जारी नहीं रख सकते। ये दुश्मन को भी इस बात का एहसास हो चुका है, और ये शहदा बड़े अजीम शहदा थे कि जिनकी शहादत हुई है, शहीद सैयद इब्राहिम रईसी। एक अरसे के बाद ईरान को एक बेहतरीन सदर मिला था, एक जिम्मेदार वफादार और कौम की खलूस के साथ खिदमत करने वाला, कौम के हक में काम करने वाला एक अजीम ये सदर था ईरान का। लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर है इनकी शहादत के जरिए से, खुदा के आलम शायद इनकी शहादत में कुछ ऐसी बरकतें रखी हैं। बजाय हमें लगता है कि अब ये शहीद हो गए ईरान और मुश्किल में गिरफ्तार, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर होता है। खुदा के आलम इन्हीं शहादत, क्योंकि इस शहीद ने भी एक जुमला कहा था कि जब शहीद की मुख्तलिफ लोग जो वो तरह तरह के इन पर तोहमतें लगा रहे थे और इनकी तौहीन की जा रही थी, इन्होंने ये फरमाया कि कितना खुरूज देखे इनके अंदर पाया जाता है कि ये शहीद फरमाते हैं कि अगर मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क के लोगों को मेरी तौहीन के जरिए से अगर फायदा अगर पहुंच रहा है, तो मैं इस बात से राजी हूं कि मेरी तौहीन की जाए। हम और आप अगर थोड़ी सी अगर हमारी तौहीन अगर कोई कर देता है, तो इज़्ज़त मोहतरम हम जवाब में जो हमारी तौहीन कर रहा है हम भी उसकी तौहीन करते हैं। लेकिन इतने अजीम मनसब पर फायल होने के बावजूद भी ये शख्स कह रहा है, क्योंकि अगर कोई जालिम हाकिम होता है अगर उसकी तौहीन अगर कर दे तो फौरन उसे अरेस्ट कर दिया जाता है, उसे सजा दे दी जाती है। और हमारे मुल्क के हालात तो भी आप देख रहे हैं कि इनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा होता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कितना खुलूस था इस शख्स में, खुद ये फरमा रहे हैं, खुद मैंने सुना है उनकी उस क्लिप को जिसमें फरमा रहे हैं कि अगर
हमारे लोगों को मेरी तौहीन के जरिए से अगर फायदा अगर पहुंच रहा है तो मेरी तौहीन की क्या मैं इस बात से राजी हूं। ऐसा खुलूस इनके अंदर पाया जाता था। वक्त काफी हो चुका है, मैं मुख्तसर करते हुए इस शहीद के बारे में, क्योंकि कुछ बातें करना जरूरी है शहीद के बारे में। उनकी बेटी से जब उनकी शहादत हो जाती है तो सवाल किया जाता है कि आपके बाबा के बारे में कुछ ऐसी चीजें कि जो लोगों को पता नहीं है, आपको कोई ऐसी बात है तो आप जो उसको लोगों के सामने बयान करें। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे बाबा जब चीफ जस्टिस के जब ओहदे पर थे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ये ईरान के चीफ जस्टिस थे, वहाँ पर वही से कुवत फजाइया है। तो फरमाया कि वो फरमाती कहती हैं उनकी दोस्तर उनकी बेटी कि मेरे बाबा जब इस ओहदे पर फायज हुए तो उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाह मुअय्यन थी उस ओहदे के लिए, तो मेरे बाबा ने यह हुक्म दिया कि मेरा जो हुकूमत की तरफ से जो मुअय्यन है उसका आधी तनख्वाही मेरे लिए मुअय्यन की जाए। देखिए यह शख्स कितना अपने अंदर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से कितना ज़्यादा हमें तनख्वाह मिलेगी, कितना ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा, ये इंसान देखता है। लेकिन इस शख्स ने देखा कि ये जो मेरे लिए तनख्वाह जो मुअय्यन की गई है ये मेरी जरूरत से ज्यादा है, तो लिहाजा ये हुक्म देते हैं कि मुझे इसकी आधी तनख्वाही दी जाए कि इसी में मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। ऐसा ये लोग जज्बा रखते थे। ये नहीं कि आप ओहदे पर आ गए हैं तो जितना सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं उतना हासिल कर लिया जाए। अक्सर होता ही ऐसा है कि अगर कोई किसी ओहदे पर आता है तो वो अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से हासिल करना चाहता है। लेकिन ये शहीद वो शख्सियत थे कि जहां पर देख रहे थे कि मेरी जरूरत इसमें पूरी हो सकती है, तो फरमाया कि बस मेरे लिए जो हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाह मुअय्यन है उससे मेरी आधी तनख्वाह में मेरी जरूरत पूरी हो सकती है, तो लिहाजा मुझे आधी तनख्वाह दिया। और फरमाते हैं कि बाद उसके बाद कुछ अरसा ऐसा भी आया कि वो उस आधी तनख्वाह भी कम लिया करते थे। ऐसा इनके अंदर जज्बा पाया जाता था कुछ कम शख्स। और कितने ये वाकन इतनी मशहूरियत के बावजूद भी ये शख्सियत वो शख्सियत थी कि ऐसा नहीं कि अब हम मशहूर हो गए हैं, अब हम जो वो इस ओहदे पर फायज हो गए हैं, हमें जो वो प्रेसिडेंटशिप मिल गई है। क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट, जब इनसे सवाल जब किया जाता है कि आप जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं इन चंद दिनों में आपको क्या कुछ फरागत मिलती है, कुछ फुर्सत मिलती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये नहीं कि मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूं उस वक्त मुझे फरागत नहीं मिलती है या मैं फारिग रहता हूं, मैं फुर्सत के साथ रहता हूं, नहीं, बल्कि इससे कबल भी कभी मुझे किसी बात की फुर्सत ही नहीं रहती थी। मैं हमेशा अपने जरूरी कामों में जो मेरे मुल्क के लिए जरूरी होते थे उस कामों में अंजाम दिया, वो उन कामों को अंजाम दिया करता। शख्सियत ये इतनी इल्मी शख्सियत भी थी कि ये खुद दर्स इश्तिहाद दिया करते थे, दर्स खारिज दिया करते थे। इनका खुद का अपना दर्स खारिज होता था कि जहां पर बड़े बड़े दुरूस को जहां पर तालीम दी जाती है, यहां पर मुज्तहिदों को तैयार किया जाए। इस इल्मी एतबार से ये इतना कवी शख्सियत है, ये कैसा सदर मिला था ईरान को, इतना खुलूस। ना तो इस ओहदे पर आने के बाद इबादतों में भी कोई कमी नहीं है, सफर पर जा रहे हैं लेकिन जब सफर में भी अगर नमाज शब का मौका आ जाता है तो उसी सफर की हालत में नमाज को अदा करते हैं, नमाज शब का अदा करते हैं। कि वो शख्सियत थी। हम अगर दुनिया के उमूर या किसी काम में अगर मशगूल हो जाते हैं तो इज़्ज़त मोहतरम हम अपनी नमाजों को भूल जाते हैं। अलबत्ता एक बात कहना फ़र्ज भी है, अभी हमने मस्जिद से होते हुए हम नमाज़ पढ़ कर के आ रहे थे, माशाल्लाह इसमें सब आपके वतन के ही हैं, और एक बात आपके कहना ज़रूरी भी है कि इतनी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबको सलामत रखे और आपके जज्बों को भी सलामत रखे। ज़रूर आपके मोहल्ले से, जैसा कि हमारे जवान ने भी जिक्र किया कि मस्जिद मोहल्ले से कुछ जो वो दूर है, जो शिया जो मोहल्ला है उससे कुछ फासले पर है, इसलिए लोग जो वो मस्जिद में कम आया करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं,
उन्हें तो कम से कम इस मस्जिद का आबाद करना जरूरी है हमारे लिए। अफसोस की बात यह है कि मस्जिद नमाज का वक्त हो और सिर्फ ये सब भी सही तरह से पूरा अगर ना हो ना भरे तो ये अफसोस की बात है। हमारे बुजुर्गों को देखें कि किस तरह से नमाज को अहमियत दिया करते थे। ये नमाज ही हमें बुलंदियां अदा करती है। अगर आप अपने बच्चों को अगर सही तरबियत अगर देना चाहते हैं, बच्चों में बचपने से ही उन्हें नमाज की आदत डाला करें। अगर आप सही तरबियत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी पैरवी करें, हमारी बातों को सुने, हमारे फरमाबरदार बच्चे बने, तो आप अगर अपने बच्चों की सही तौर से अगर दीनी तरबियत करेंगे तो ये बच्चे आपके बच्चे होंगे। अगर हमने इनकी दीनी तरबियत में अगर कोताही की तो ये बच्चे जिस तरह के अल्लाह के नहीं हुए तो हमारे भी नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रहें तो इन बच्चों को अल्लाह के लिए बनाएं, अल्लाह के लिए तरबियत करें। जब इनको हम अल्लाह का बना देंगे तो ये बच्चे खुद ब खुद हमारे अपने हो जाएंगे, क्योंकि दीन ने और अल्लाह ने हमें ऐसी इसी तरबियत का जो सलीका सिखाया, वालिदैन की बात को मानने का, वालिदैन के हुक्म को मानने का, उनकी बर्दारी करने का, उनके साथ नेकी करने का, जिस तरह से दीन ने जैसे तालीम दी है, तरबियत की है, उस तरह से आपको कोई किताब कोई उस्ताद आपको इस तरह से तरबियत नहीं कर सकता। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने बच्चे हो, हमारे फरमाबरदार बच्चे हो, तो हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत पर, दीनी तालीम पर जरूर तवज्जो दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना भी है कि हमारे मौलाना, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उन्हें सेहत सलामती और आफियत के साथ तौले उम्र मरहमत फरमाए, जनाब मौलाना अरमदास साहब यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बच्चों को सही तालीम दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसमें आप लोगों का भी फर्ज है कि आप भी मस्जिद को आबाद करें। और मुझे खुशी हुई जब मैंने सुना कि यहाँ पर बाबाबाद में यहाँ पर शहीदों की याद में ये मस्जिद बर्पा की जा रही है। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस अहम तरीन मजलिस को, यहाँ पर शहीदों की याद में आपने इस मजलिस को मुनाकिद किया है। इंशाअल्लाह यहाँ पर जिस तरह से हमने इन शहीदों की गुफ्तगू की है, हम यहाँ पर इन शहीदों की जो सीरत थी और इनका जो अखलाक था और इनका जो किरदार था, इसको इस मजलिस से हम लेकर के उठें और हम भी जो अपने आप को ये तैयार करें कि हम भी अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए आमादा करें और हर तरह से हम अपने आप को अल्लाह के दीन के मदद के लिए जो हम अपने आप को तैयार करें, चाहे माल के जरिए से हो, चाहे वह अपनी जान के जरिए से हो, हर लिहाज से हमें अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए हमें तैयार करना चाहिए। जिस तरह से करबला वालों ने अल्लाह के दीन के लिए अपने जानों को कुर्बान किया है, अपने औलाद को कुर्बान किया है, और उसी करबला से जिन लोगों ने दर्स हासिल किया है, उन लोगों ने भी इसी करबला से हासिल करके अपने जानों को, अपने माल को, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन यही माँ आमादा करती है, तैयार करती है अपने बच्चों को। ये शहीद इब्राहिम रईसी ऐसे मौके पर भी कि जब वो इस ओहदे पर फायज हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब मसायब का जब मौका आता है तो उस वक्त अहले बैत के मसायब पढ़ करके लोगों को रुलाया भी करते थे, ये खुद आमाल शब कद्र का याद करते थे और दुआएं अपने खास दुआओं में शहादत को तलब करते थे। हम और आप जब दुआएं जब करते हैं तो इज़्ज़त मोहतरम हमारी दुआओं में हमारी दुनियावी हाजात तो हम तलब करते हैं, लेकिन शहीद ऐसे होते हैं जिन लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया। जब भी हरम अहले बैत में अगर वो जाते हैं तो वहां पर किस चीज की दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें शहादत अता फरमा, तेरी राह में अपनी जान को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। इस तरह की वो लोग दुआ करते हैं और मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। शहीद मोहसिन हुज्जा जी वो शख्सियत हैं कि जब वो पहली मरतबा, जब आप लोगों ने नाम इंशाल्लाह सुना ही होगा, शहीद मोहसिन हुज्जा जी एक जवान शहीद, 25 साल की उनकी उम्र है कि जिनकी जौजा भी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। जब वो सीरिया जब एक मरतबा गए हैं जंग के लिए, तो उनको वहां पर उस वक्त शहादत नसीब नहीं होती है।
फिर जब वापस पलटते हैं अपनी माँ से कहते हैं कि माधरी के रामी, नहीं मालूम मुझे क्यों जो वो शहादत नसीब नहीं हुई है, मेरे नजदीक से जो वो गोलियां गई गुजरी हैं लेकिन कोई गोली आ करके मुझे जो नहीं लगी है, नहीं मालूम मेरा अल्लाह क्या मुझे मेरी शहादत को कबूल नहीं करना चाहता है कि मुझे मेरे नजदीक से जो वो अपनी नजदीक है कि मैं शहीद हो जाऊं लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई है, आप मेरे हक में दुआ करें। माँ से कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं कि कैसा जज्बा है ये शहादत का कि वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरे लिए शहादत की दुआ करें, और फिर खुद ये शहादत को मांगने के लिए तलब करने के लिए ये खुद मशहद मुकद्दस मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जा करके वहां पर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके इमाम से तलब करते कि मौला अब अगर मैं जाऊं तो मैं वापस ना पलटूं, मुझे शहादत नसीब हो जाए। तो ये शहादा, ये जवान जिन्होंने करबला से दर्ज हासिल किया, इस तरह से शहादत के लिए तड़पते हैं जिस तरह से करबला वाले अपने शहादत को तड़प रहे होते, क्यों? उनके सामने पता है कि शहादत क्या चीज है, कितनी अजीम चीज है। जनाब कासिम की जो मारिफत 13 साल के उम्र है, देखिए जब इमाम ने जब सवाल किया कि बेटा कासिम आपके नजदीक मौत कैसी है, जनाब कासिम ने कैसा ऐसा जुमला जनाब कासिम ने फरमाया कि वाकई तारीख में कहीं हमें ऐसा जुमला नहीं मिलता है। फरमाया चचा जान अहला मिन अल असल, चचा जान मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरीन, कैसी मारफत थी इस 13 साल की उम्र में। मतलब ये वो शहदा है कि जो अपने लिए शहादत को तलब करते थे, शहीद अमीर हुसैन अब्दुल्लाह यान, मैंने इससे कब्ल भी चेन्नई में जो मदरसे जो हुई वहां पर भी मैंने तस्करा किया कि ये भी एक अहम शख्सियत थी ईरान की, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, ये भी बहुत ज्यादा फ़ाल थे, एक्टिव थे ईरान के लिए, ईरान की भरपूर खिदमत कर रहे थे अच्छे से दिल लगा करके। और एक चीज़ जो इनकी अखलाकी चीज जो नज़र में आई है वो ये कि एक मरतबा ये खुद शहीद अमीर अब्दुल्लाह यान ये और सीरिया के वजीर खारजा थे, ये सीरिया के वजीर खारजा जब गुफ्तगू जब कर रहे थे अपने डेस्क पर तो उस वक्त उन्हें जिसको कहा जाए ठसका, जो हमारी जबान में कहते हैं ठसका लग गया, और वो पानी की बॉटल खोलना चाह रहे नहीं खुल रही होती है। ये भी अपने डेस्क पर होते हैं शहीद अमीर अब्दुल्लाह यान। जब कोई ओहदेदार कोई इंसान ऐसी जो शख्सियत जिस सियासी शख्सियत होती हैं वो अपनी जिस जगह पर वो खड़े होते हैं तो ये किसी की खिदमत करने की अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये शख्सियत खुद अपनी जगह छोड़ करके सीरिया के वजीर खारजा के लिए अपनी बॉटल खोल करके खुद उनके गिलास में पानी डालते हैं, उनके खिदमत में पानी पेश करते हैं। क्यों? ये वहां पर जहां पर जिसे पानी की जरूरत होती है यहां पर ये अपने ओहदे को नहीं देखते हैं कि ये मेरा ओहदा है मैं नहीं कर सकता, नहीं, इस शख्स को पानी की जरूरत है यहां पर, लिहाजा मैं इनसे सबसे करीब हूं, लिहाजा मेरा फर्ज है कि मैं इनकी प्यास को बुझाऊं, इनकी पानी की जरूरत पूरी करूं। ऐसे होते हैं करबला वाले, बेशक ये वो लोग हैं, ऐसी शख्सियतें हैं। शहीद सैयद मोहम्मद अली आल हाशिम तबरेज के इमाम जुमा, जहां पर वो इमाम जुमा था, रहबर मुअज्जम के जरिए से जो मंसूब होते हैं वो इमाम जुमा थे, उनके अंदर भी एक शहादत का इसी तरह से जज्बा। अगर इंसान वाकई सही माना में खुद से दिल से अगर चाहे तो खुदा तआला उन्हें अता करता है। तो ये गुफ्तगू कर रहे थे, कार में बैठे हुए फरमा रहे थे कि मैं तबरेज में इससे कबल 2 इमाम जुमा शहीद हो चुके हैं, दोनों का नाम लिया और फरमाया कि अब तीसरा मैं भी जो शहीद किया जाऊंगा, मेरा भी नाम लिखा जाएगा। और उन्होंने कहा और अल्लाह ने उन्हें वही शहादत भी अता कर दी। हाँ जानूंगा आप सभी ने, जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही अखबार में ये ऐलान होता है कि ईरान के सदर जिस हेलीकॉप्टर में थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है या वो हेलीकॉप्टर का कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, तो सबके दिल से ये दुआएं निकल रही थी कि परवरदिगार जहाँ पर भी ईरान के ये सदर हों, शहीद रईसी हों, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा,
سب کے سب یہی دعا کر رہے تھے رات بھر. کتنے ایران میں بھی تمام حرمائے اہل بیت تھے, مولا امام رضا بی بی معصومہ قوم جم کر جگہ جگہ ان کی دعائیں ہو رہی تھیں کہ یہ کسی طرح سے زندہ سلامت بچ جائیں. لیکن صبح میں جب خبر آتی ہے سب کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, سب کے دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, سب کے سب غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ اتنا بہترین صدر ایران کا مارا گیا ہے. عزاداروں, جب ہمارے دل یہ شہید کے مارے جانے سے جب ہم اتنا رنجیدہ ہو جاتے ہیں, ذرا امام سجاد کے دل سے پوچھئے جب یہ صدائیں بلند ہوئی ہوگی کہ الا قد قتل الحسین بکر بلا, کیا گزری ہوگی امام سجاد کے دل پر, کیا گزری ہوگی جناب زینب کبریٰ کے دل پر کہ جب بی بی نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہوگی. اللہ اللہ سرب زینب, کہ وہ زینب کے جو بن بھائی کے کبھی رہ نہیں سکتی, آج زینب کو اس امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ زینب اپنے بھائی کی شہادت کو سنے لیکن زینب کو یہاں پر صبر کرنا پڑ رہا ہے. ہاں زادارو, میں ان شہیدوں سے کہوں گا ہاں آپ کو شہادت مبارک ہو, اللہ نے آپ کو یہ عظیم مرتبہ عطا کیا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی کہ لوگ آپ کی شہادت کے بعد لوگ گریہ کرنے لگتے ہیں اور جہاں جہاں پر بھی آپ کے تشییع جنازے کے لیے آپ کے جہاں جنازوں کو گزارا جاتا ہے وہاں پر لاکھوں کا مجمع آپ کے جنازوں کو کانا دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے, آپ کے جنازوں کو چومنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. میں کہوں گا آپ یہ غلام حسین کے غلام ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے, اللہ آپ کی اور عزت اور آپ کے مرتبے کو بلند کرے, لیکن ذرا کربلا کے اس حسین اور آقا اور مولا کو دیکھے, کربلا کا وہ حسین جو کربلا میں اتنا مظلوم ہے, اتنا مظلوم ہے کہ وہ حسین کہ جس کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ زہرا کے لال کو غسل و کفن دے کر کے زہرا کے لال کو دفنا دیا جائے. ارے حسین اتنا مظلوم ہے. اے شہیدوں, آپ کے جنازے جب ملے ہیں تو بڑے ہی ادب احترام سے آپ کے جنازوں کو اٹھایا گیا, لیکن جب حسین کی شہادت ہوتی ہے, ارے حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جاتا ہے. اللہ اللہ مظلوم حسین. آزاداروں, اسی لیے میں ان شہیدوں کے رشتہ داروں سے اور ان کے فرزندوں سے کہوں گا کہ آپ کے سید سردار کی شہادت کے بعد, ارے آپ کو رہبر معظم نے تسلیت دی, رہبر معظم نے ان شہیدوں کے فرزندوں کا اپنے سینے سے لگایا, لیکن ذرا سکینہ کے دل سے پوچھے, ارے جب سکینہ جب بابا کی شہادت ہوتی ہے تو سکینہ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سکینہ کے سر پر ارے ہاتھ پھیرے, اس حسین کی اس یتیم بچی کو دلاسا دے. ارے جیسی بابا کی شہادت ہوتی ہے, ارے سکینہ اتنی مظلوم بچی ہے کہ اس بچی کے لباس کو جلا دیا گیا. ارے جیسے جب ایک مرتبہ شمر لین آگے بڑھتا ہے, ارے کانوں سے گوش مارے چھین لیتا ہے, اور سکینہ جب اپنے بابا کو آواز دیتی ہے تو یہ لعین سکینہ کو تماچے مارتا ہے. میں ان شہیدوں سے کہوں گا, ارے آپ کے شہیدوں کے جنازے کو بڑی عزت و افتخار کے ساتھ اٹھایا گیا, لیکن ذرا سید سجاد سے پوچھے کہ جب بابا کی شہادت ہو گئی ہے, جب امام جب کربلا سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے بابا کے جنازے کے پاس آئے,
देखा सारा बदन जख्मों से चूर है, अरे बदन पर तीरों के निशान, नैजों के निशान, तलवार के निशान है, सारा बदन अरे जख्मों से चूर है। एक मर्तबा जब इमाम ने अपने बाबा के जनाजे को इस तरह से देखा, इमाम की हालत इस तरह से होती है कि मुमकिन था कि इमाम के बदन से रूह निकल जाए, लेकिन बीबी ज़ैनब कुबरा कि इस मुहाफिज़े इमाम पर अपनी जान, हमारी जाने कुर्बान हो जाए, कि बीबी ने अपने भतीजे को जब इस हालत में देखा, कहा बेटा सैयद सज्जाद, अरे अपने आप को संभाले, अरे आपके बाबा का जनाजा इसी तरह से पड़ा नहीं रहेगा, अरे यहाँ पर हरम तैयार किए जाएंगे, मजार तैयार किया जाएगा, और आपके बाबा के कब्र के जायरीन लाखों की तेद हजारों की तेदाद में आएंगे। जब इमाम को दिलासा दिया गया तो इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा, क्या आप देख रही हैं कि इन जालिमों ने अपने पुश्तहाय नजिस को दफना दिया है और मेरे बाबा का जनाजा अरे इसी तरह से बेगोरों का बन पड़ा हुआ है, अरे मैं किस तरह से सब्र कर सकूं, अरे जिसके सामने अरे जिसके बाप का जनाजा इस तरह से पड़ा हो वो सैयद सज्जाद। यही वजह है कि अपने बाबा को हमेशा याद करके गिरिया करते थे, जब भी पानी लाया जाता तो इमाम गिरिया करते थे, अरे मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया। जब इमाम की खिदमत में खाना लाया जाता तो इमाम फरमाते थे कि मेरा बाबा अरे फर्जंद रसूल भूखा शहीद कर दिया गया। अरे जब किसी जानवर को जब ज़िबा किया जाता था तो इमाम सवाल करते थे और कसाब से कहते थे, क्या तुमने इस जानवर को जब ज़िबा किया क्या तुमने पानी पिलाया है? जब कसाब कहते थे मौला ये कैसे हो सकता है, हम आपके जद के मानने वाले हैं, हम बगैर पानी पिलाए किसी जानवर को ज़िबा नहीं करते। एक मर्तबा इमाम करबला का रुख करके फरमाते हैं, अरे करबला में भी मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन मेरे बाबा को अरे तीन दिन का प्यासा अरे खुश्क गले को कुंद खंजर से ज़िबा कर दिया गया। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिल ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان شہیدوں کے درجات میں بلندی عنایت فرما، ان تمام شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اندر بھی اسی طرح سے شہادت کے جذبے کو پیدا فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے جو بھی پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار کی رزق روزی کے وسائل فراہم فرما، مقروضین کے قرضوں کا خزان غیب سے ادا فرما، مریضوں کو جلد سے جلد مکمل شفا مرحمت فرما، جب اولاد ہیں سب کو فرزندان صالح عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں نیک ترقی کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار ہم جو حج زیارات کو مشتاق ہیں سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک باران رحمت کو ہم سب پر نازل فرما۔ مالک دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل آل سعود کو نست نابود فرما۔ مالک سربازان اسلام بالخصوص حماس حزب اللہ نصر اللہ انصار اللہ ان سب کی نصرت و حمایت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما۔ پردگار باران رحمت کو ہم سب پر نازل فرما۔ مالک جہاں کہیں بھی مؤمنین ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پردگارہ تمام مالک ہمارے وقت کے امام کے قلب کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے امام کے آوانہ انصار میں شمار فرما۔ بحق محمد والے طیبین الطاہرین آپ سب سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حق اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام ان شہدا کے ارواح کو ایثار فرمائیں۔